हेलो एवरीबडी, वेलकम टू नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल। शिक्षण आपल्या दारी। लास्ट पीरियड में हमने अध्ययन किया था भारत कितना प्यारा है। इस पाठ में हमने, इस कविता में हमने भारत के उत्तर बर्फानी चोटियों वाले हिमालय प्रदेश, भारत का प्राकृतिक सौंदर्य, इसका अभ्यास किया था। इसी हिमालय से बहती हुई गंगा की जलधारा, यमुना और गंगा, इस दोनों नदियों से जिससे हमारे खेत और खलियान हरे भरे हो उठते हैं, फूलों फलों से हमारी ये भूमि सज जाती है, खेतों में हर तरफ हरियाली छा जाती है। और इसी वजह से खुश होकर अपनी ये जो कोयल दिख रही है, ये कोयल आमों के डाली पर बैठकर अच्छा सा गान गाती है। बच्चों, ये तुम मत भूलना है कि माँ ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, उसी तरह ये धरती माता भी हमारे साथ अच्छा ही व्यवहार करती है। वो हमें अन्न देती है, हमें पानी देती है और सांस लेने के लिए हवा तक देती है। तो कवि का कहना है कि इस धरती ने हमें इतना कुछ दिया है, तो मातृभूमि के प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य बन जाता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसी धरती माता में खेलकर हम लोग बड़े हुए हैं। इस कविता से हमें सेवा भाव, त्याग, परोपकार, समर्पण, क्षमाशीलता, विनम्रता, देश प्रेम, इसकी शिक्षा मिलती है। इस पाठ में कुछ कठिन शब्द आए, जैसे कि लहराती। लहराती का अर्थ है तरंगित, लहराती याने तरंगित होना, याने टू फ्लो। आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो गंगा है उसका बहाव ऐसे है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लहराना याने तरंगित होना। उसके बाद है प्यारा। प्यारा याने प्रिय, जो हमें प्रिय होता है हम उसे प्यारा कहते हैं। और उसके बाद है भूमि। भूमि याने धरती, अर्थ। कोकिल, कोकिल याने कोयल। तो इस तरह से यहाँ पर ये कठिन शब्द आए हुए। पाल पोसकर, पाल पोसकर याने पालन पोषण करके। तो लास्ट पीरियड में हमने ओपन योर पेज, पेज नंबर 10, टेक्स्टबुक में का 10 नंबर का पेज निकालो। लास्ट पीरियड में हमने ये स्वाध्याय छुड़ाया था। मैं ऐसे आशा करती हूँ कि आप लोगों ने ये अच्छी तरह से किया होगा। उसके बाद ये जो रचनात्मक कार्य था, इस रचनात्मक कार्य में 8 नंबर को क्या है, नीचे दी गई वर्ग पहेली में भारत में बोली जाने वाली 8 भाषाओं के नाम छिपे हैं, उन्हें ढूंढ कर लिखिए। आपको पता है अपने भारत देश में कितने सारे भाषाओं में हम लोग बात करते हैं, तो इस जो पहेली है, इस पहेली में अलग अलग 8 भाषाओं के नाम हैं। आपको वो अच्छे से चुनना है और यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद है 9 नंबर, सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर कुछ दिया है, तो आपको ये अच्छे से मैच करना है। जैसे कि 15 अगस्त को क्या होता है, वो आपको उससे मैच करना है। 26 जनवरी, 14 नवंबर, 5 सितंबर, 2 अक्टूबर, और यहाँ पर उसके ऑप्शन दिए, शिक्षक दिवस, गांधी जयंती, गणतंत्र दिवस, बाल दिवस, स्वतंत्रता दिवस। तो इस तरह से इसको सही मिलान याने मैच द फॉलोइंग, अच्छे से इसको मैच करना है। आपके लिए ये होमवर्क है। उसके बाद नीचे दिए गए दर्शनीय स्थलों को पहचान कर उनके नाम लिखिए और बताइए कि वो कहाँ स्थित है। आपको ये अच्छे से सर्च करना है और इसके नीचे इसका नाम लिखना है। आपके लिए ये होमवर्क है। उसके बाद पेज नंबर 13 ओपन करो। ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 13। वहाँ पर 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वहाँ पर दिया है, हमारे देश के विभिन्न भागों में अनेक प्रकार के पारंपरिक नृत्य प्रचलित है, इनमें से कुछ के चित्र दिए गए हैं, पहचान कर
उनके नाम आपको लिखना है, जैसे कि दांडिया है, गरबा है, तो इस प्रकार के जो भी आपको नृत्य पता है वो वहाँ पर लिखना है। लास्ट है माँ, 12 नंबर, माँ हमें बड़ा करने के लिए क्या क्या करती है। मेरी माँ इस पंक्तियाँ, इस पर 10 पंक्तियाँ लिखना है और ये आपको अध्यापिका को दिखाना है। तो आप लोगों को पता होगा हमारी माँ हमारे लिए कितना कुछ करती है, हमारे लिए खाना बनाती है, हमारे लिए टिफ़िन बनाती है, हमारे स्कूल के होमवर्क में हमें वो हेल्प करती है, घर के सारे कामकाज करती है, घर में अगर कोई वृद्ध है तो उनकी भी देखभाल करती है। तो इस प्रकार हमारी माँ बहुत कुछ हमारे लिए करती है। जब हम लोग बीमार होते हैं तभी भी वो हमारा अच्छे से ख्याल रखती है। तो ये सब कुछ आपको इसमें लिखना है, मेरी माँ, इस पर 10 पंक्तियाँ लिखना है। लास्ट पीरियड में मैंने आपको भारत कितना प्यारा है यह गान गाकर सुनाया था, इस बार वापस दोहराऊंगी, आप भी मेरे साथ गाना है और इसको अच्छे से कंठस्थ करना है और कंठस्थ करने के बाद अपने माता पिता को सुनाना है। तो चलो मेरे साथ गाओगे ना, आपको भी अच्छा लगेगा और आप अच्छे से याद करोगे। पाठ क्रमांक 1, भारत कितना प्यारा है। यही हिमालय सा पहाड़ है, यही गंग की धारा है, यमुना लहराती है, सुंदर भारत कितना प्यारा है। फलों फूलों से भरी भूमि है, खेतों में हरियाली है, आमों के डाली पर बैठी गाती कोयल काली है। बच्चों बच्चों माँ ने पाल पोस कर तुमको बड़ा बनाया है, बच्चों माँ ने पाल पोस कर तुमको बड़ा बनाया है, लेकिन यह मत भूलो तुमने अन्न कहाँ का खाया है, तुमने पानी पिया कहाँ का, खेले मिट्टी में किसकी, चले हवा किसकी बोली, बच्चे प्यारे भारत की। तो इस तरह से आपको ये कविता का गान करना है, अच्छे से कंठस्थ करना है और अपने माता पिता को सुनाना है। तो हम लोग अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेसन का अध्ययन करेंगे। बच्चों आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ये है तितली का जीवन चक्र। तो ये जो चक्र है कितने हिस्सों में बटा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ये तितली दिख रही है और यहाँ पर ये छोटे छोटे उसके पार्ट्स दिख रहे। तो तितली का जीवन चक्र हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ये जो तितली होती है, मादी तितली, ये पेड़ों पर अक्सर छोटे छोटे अंडे छोड़ देती है। फिर ये अंडे बड़े होने के बाद 7 दिनों के बाद उसमें से इस तरह से एक छोटा सा कीड़ा निकल आता है। ये अक्सर पेड़ पर ही अंडे होते हैं। फिर ये जो कीड़ा होता है उसके ऊपर एक ऐसी कोशिका बन जाती है। आहिस्ता आहिस्ता ये कोशिका नेक्स्ट डे ऐसी बढ़ जाती है। और ये जो कीड़ा होता है, जो यहाँ के पेड़ के जो पत्ते होते हैं वही पत्ते खाकर वो बड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार से उसको बड़ा होने में 2-3 दिन लग जाते हैं और ये 3 दिनों में इस प्रकार की तितली तैयार होती है और लास्ट डे 8 डे को इस प्रकार से ये तितली बन जाती है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया तितली का जीवन चक्र। तो इस प्रकार से तितली पैदा होती है। ये जो तितली है इसका कालावधि, जीवित रहने का कालावधि कितना है आपको पता है, इसका कालावधि है सिर्फ 2 मंथ्स, यानी 2 महीने ही ये रहती है। और ये तितली आपको अच्छी लगती है या नहीं, पसंद है या नहीं, सभी बच्चों को तितली बहुत ही अच्छी लगती है। इसके रंगी बिरंगी जो कलर्स होते हैं वो बहुत ही मनभावन होते हैं, सभी बच्चों को ये बहुत आकर्षित करते हैं।
और ये जो सेकंड जो ये पिक्चर दिख रहा है आपको, इसमें क्या दिखाई दे रहा है? वाइट कलर के ये फूल है और उस पर ये तितली मंडरा रही है। तो बच्चों, जब आप लोग गार्डन में जाते हो तो आपको इस तरह से सीन दिखाई देता होगा, दिखाई देता है ना? अच्छा, तो बच्चों मुझे, मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, उसके आप आंसर देना है। फूलों को देखकर आपको कैसा लगता है, बताओ जल्दी से, कैसा लगता है? फूलों को देखकर सभी को बहुत अच्छा ही लगता है, ऐसा मन होता है कि उसको निकाले, उसको सूंघे, उसके सुगंध से अपना मन प्रफुल्लित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपका मित्र उदास होता है तो आप क्या करते हैं, क्या करते हो बोलो? उसको उदासी का कारण पूछते हो या ऐसे ही छोड़ देते हो? तो हमें क्या करना चाहिए? यदि हमारा कोई मित्र उदास है तो उसके उदासी का कारण पूछ के उसको अच्छी तरह से उसका उपाय सोचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने मित्र की सहायता करके आप कैसा अनुभव करते हैं? अगर कोई आपका मित्र उदास है, कुछ परेशानी में है, तो आपको उसको हेल्प करके, उसको मदद करके अच्छा ही लगता होगा ना? आपने कभी किसी की सहायता की है तो अच्छी बात है। तो बच्चों, आपको ये कुछ चित्र में दिखा रही हूँ, तो आपको इससे इस चित्रण का आपको वर्णन करना है। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये जो चार छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ये सभी मिलकर एक साथ खेल रहे हैं। तो इसमें से हमें क्या दिखता है? हर एक बच्चों आपके पास, आपको पता है, कुछ बच्चों के पास खिलौने होते नहीं, कुछ बच्चों के पास होते हैं, हर एक बच्चे के पास खिलौने होते नहीं। अगर जिसके पास खिलौने हैं तो वो जिनके पास नहीं है उनको लेकर इस तरह से खेल सकते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? परोपकार। सब मिलजुल कर यहाँ पर खेल रहे हैं। तो इससे हमें क्या मिलता है इस तरह से खेलने से? तो इस तरह से खेलने से हमें खुशी मिलती है। यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर क्या दिख रहा है? इस चित्र का वर्णन कीजिए। हाँ बताओ, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? ये तीन छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो लड़की है, ये खुद से पढ़ाई कर रही है, और यहाँ पर ये लड़का है जो उदास बैठा हुआ है, और ये जो लड़की है उसको पूछ रही है उसके उदासी का कारण। ये इस तरह से क्यों बैठा है? क्योंकि उसको पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? आत्मीयता से उसे उसकी पूछताछ करना चाहिए, और हमें जो कुछ आता है उसको गाइडेंस करना है, उसको बताना है। तो यहाँ पर हमें क्या दिखता है? आत्मीयता दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? दया। अभी देखो, बच्चे हम लोग खेलते हैं, ग्राउंड पर खेलते हैं, कभी साइकिल चलाते हैं, तभी गलती से हम लोग गिर जाते हैं। तो यहाँ पर ये लड़का भी क्या हुआ है, साइकिल पर जा रहा था और ये गिर गया है, तो उसको एक लड़का हेल्प कर रहा है। यहाँ से इस चित्रण से हमें क्या दिखाई देता है, कौन सा भाव दिखाई देता है? दया भाव। तो इस प्रकार हमें अगर कोई गिरता है तो ना कि उसके ऊपर हंसना चाहिए, तो उसे मदद करना चाहिए, उसके ऊपर दया दिखाना चाहिए, उसको हेल्प करना चाहिए। इससे हमें क्या मिलेगा? तो खुशी हासिल होगी। इसी प्रकार यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक बूढ़ी औरत है जो लकड़ी लेकर चल रही है, और ये जो बच्चा है छोटा, उनका हाथ थमे हुए उन्हें उनके साथ चल रहा है। तो हमें बूढ़े लोगों का अच्छे से ख्याल रखना है, करुणा दिखाना है, और उनको जहाँ पर भी ज़रूरत है वहाँ पर हमें उन्हें मदद करना है। तो इससे हमें क्या मिलेगी? खुशी हासिल होगी। उसी प्रकार यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ पर ये जो औरत है बहुत सारा सामान खरीद कर जा रही है, तो उसके हाथों में ये जो बैग है फुल भरा हुआ है, इसके वजह से क्या हो गया है, रास्ते में कुछ सामान गिर गया है। तो ये जो लड़की है उसको हेल्प कर रही है। तो इसी प्रकार अगर कोई परेशानी में है तो हमें उसके साथ सहानुभूति दिखाते हुए
उन्हें हेल्प करना चाहिए। तो हम लोग स्कूल में रहते हैं, घर में रहते हैं, तो वहाँ पर हमें कुछ अंतरक्रिया करना पड़ता है, यानी हमें सभी की मदद करना चाहिए। हर एक सिचुएशन में हम लोग कैसा बिहेव करते हैं, हमारा आचरण कैसा होता है, उसी से हमारा व्यक्तिमत्व बनता है। तो हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए सभी के साथ, आत्मीयता के साथ, परोपकार के साथ, दया भाव के साथ, सहानुभूति के साथ और करुणा के साथ जीना है। तो हम लोग पाठ क्रमांक 2, तितली की खुशी, इस पाठ से यही पढ़ने की कोशिश करेंगे कि तितली को किस बात की खुशी हो गई है। तो इस पाठ के मुख्य भाव है, इस कहानी में हमें यह संदेश मिलता है कि अगर हम किसी को मायूस या उदास देखें तो उसके प्रति आत्मीयता दिखाते हुए उदासी का कारण जानने की कोशिश करें और उसे दूर करने का प्रयास करें। दुखी व्यक्ति की मदद करने में हमें जो खुशी मिलती है वो किसी और बात में नहीं है। तो इसी प्रकार इस कहानी में अपने लेखक ने बताया है कि तितली को किस बात की खुशी हुई है। इस पाठ का सारांश है, तितली एक आमतलस के पेड़ पर बैठी हुई थी, तो उसने देखा कि एक लड़का रास्ते से रोते हुए जा रहा है। तो इससे वो तितली बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और वो ये सोचने लगी कि इस बच्चे को मैं किस तरह से खुश कर सकती हूँ। तो देखो बच्चों, तितली होकर इतना सोच रही है तो हम लोग तो कितना सोचना चाहिए। तो ये तितली सोच रही है कि इस बच्चे के उदासी का कारण क्या है। तो फिर वो सोच रही थी, तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने क्या किया कि उस बच्चे के पास जाकर कभी वो उसके सर पर मंडराने लगी, कभी वो उसके आगे जा रही, कभी वो उसके पीछे जा रही है, इस तरह से हरकत वो करने लगी। तो ये देखकर वो बच्चा खुश हो गया, तितली की ये हरकत उसे अच्छी लग गई। रंगी बेरंगी तितली अपने आगे पीछे घूम रही है, ये चित्रण देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और वो उसके आगे पीछे दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते उसे उसका बस्ता कहाँ पर रह गया है, किसी बात का कोई भी उसे होश नहीं था। वो उसके पीछे भागते ही चला गया। वो तितली भागते भागते गार्डन तक पहुँच गई और इधर से उधर घूमने लगी। थोड़ी देर के बाद उसकी माँ जब बच्चे को ढूंढते हुए उस गार्डन तक पहुँच गई, जब उसने देखा कि बच्चा उस तितली के पीछे घूम रहा है, भाग रहा है, वो उसकी माता उसके पास, वो बच्चे के पास पहुंच गई और उसने उसका कारण पूछा कि तू इस तरह से क्यों घूम रहा है, तेरा बस्ता किधर है। तो तभी उस बच्चे को होश आ गया कि वो बस्ता भी भूला है और तितली के पीछे पागल जैसा घूम रहा है। जब वो बच्चा अपने माँ को देखा, खुश हुआ, तो माँ के साथ मिलकर उसने अपना बस्ता खोज लिया और वो माँ के साथ चला गया। तितली को इस बात की खुशी हो गई कि बच्चे का रोना रुक गया और उसने उसे खुशी दिला दी। तो इस पाठ में हमें यही देखना है कि दूसरे को खुश देख, दूसरे के उदासी का कारण जानना है और उसे खुशी देना है। तो हम लोग पाठ का पठन करेंगे। पाठ क्रमांक 2 बच्चों, पेज नंबर, तितली की खुशी, ये लेसन आप पठन करेंगे पेज नंबर 14। ओपन पेज नंबर 14, तितली की खुशी। तितली के परों पर कितने सारे रंग थे, पीला, काला, लाल। यानि ये तितली जो थी 3 कलर की थी, उसके पंख परों पर, पर यानि पंख, उसके परों पर पीला, काला, लाल,
तीन प्रकार के कलर थे। वह एक अमलतास के पेड़ के ऊपर मंडरा रही थी। मंडराना याने चक्कर लगाना। अमलतास का पेड़ याने आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ये जो पीले कलर के फूल है इसको हम, और ये जो ग्रीनरी दिख रही है, ये जो पेड़ है इसको हम अमलतास का पेड़ बोलेंगे। इस पेड़ को कुछ ऐसे बीज निकलते हैं जो आयुर्वेदिक होते हैं, तो दवा बनाने में ये काम को आता है। तो इस तरह से ये अमलतास का पेड़ है। इस अमलतास के पेड़ के ऊपर ही वो जो तितली थी मंडरा रही थी, याने मंडराना याने चक्कर लगाना। कभी इधर जाती कभी उधर, कभी पेड़ों के पत्तों में छिप जाती तो कभी डाल पर बैठती। तो देखो ये जो तितली है अमलतास के पेड़ पर इधर से उधर मंडरा रही थी। कभी वो क्या करती थी, पेड़ के पत्तों के पीछे छिप जाती थी, तो कभी ये जो आपको दिख रही है इसको हम क्या बोलेंगे, डाल, शाखा, तो यहाँ पर ये कभी बैठ जाती थी। दोपहर हो गई थी, तितली का भी सोने का समय हो चुका था। तभी तितली को ऊ ऊ की आवाज़ सुनाई दी। याने तितली का सोने का समय कब है, दोपहर का है। दोपहर के समय वो सोने जाती है। तितली का सोने का समय हो गया था, दोपहर हो गई थी। तभी तितली को किस प्रकार की आवाज़ सुनाई दी, ऊ ऊ की आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसने इधर उधर इस तरह से देखा, एक छोटा सा बच्चा अपने कंधे पर भारी भक्कम बस्ता लटकाए रोता आंखें मलता हुआ वापस आ रहा था। तो उसने क्या देखा, एक बच्चा अपने कंधे के ऊपर भारी भक्कम बस्ता यानी क्या, अपने जो स्कूल बैग होती है उसको हम लोग बस्ता बोलेंगे। तो वो स्कूल से जा रहा था और ऊँ ऊँ की आवाज़ करके वो रो रहा था, और वो बस्ता लिए आंखें मलता हुआ वापस जा रहा था। तितली की समझ में नहीं आया कि बच्चा क्यों रो रहा है। तो उसने देखा कि बच्चा रो रहा है, भारी भक्कम बस्ता लेकर जा रहा है और ऊँ ऊँ कर रो रहा है। तो तितली को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि बच्चे का रोने का कारण क्या है। तितली का मन किया कि वह जाकर बच्चे से पूछे, बेटे क्यों रो रहे हो। फिर जो वो तितली को वो देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बच्चे से जाकर पूछे कि बेटे क्यों रो रहे हो, लेकिन वह जो बोलती क्या बच्चा उसे समझ लेता। तितली की आवाज़ अगर बच्चे को सुनाई देती है, वो सोच रही थी कि अगर मैं उसको पूछूंगी तो उसे समझ में आ जाएगा, नहीं तब फिर क्या करे। तितली सोच रही कि अभी मैं जो बोलूंगी बच्चे को समझने वाला नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, उस रोते बच्चे को कैसे चुप कराएं। अचानक ही उसे एक उपाय सूझा। वो सोच में पड़ गई कि हम उसकी परेशानी किस तरह से हल करेंगे। तो उन्हें एक उपाय सूझ गया। वह पेड़ की डाल से नीचे उतर कर बच्चे के सिर पर मंडराने लगी। मंडराना याने इधर उधर घूमना। फिर उसने क्या किया, पेड़ की डाल से वो नीचे आ गई और बच्चे के सर पर यहाँ पर ऐसे वो मंडराने लगी। फर फर उसके कान के पास उड़ने लगी। देखो जब तितली या कोई भी कीटक अपने कान के आसपास ऐसा घूमता है तो हमें उसकी पंखों की आवाज़ आती है। उसी तरह उसको आवाज़ सुनाई दी, फर 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 उसके कान के पास वो आकर उड़ने लगी। बच्चे ने रोती आंधी मुंदी आँखों से उसे देखा, अधमुंदी आँखों से देखा। अधमुंदी याने आँखें थोड़े से बंद करके जो देखते हैं उसको अधमुंदी बोलते हैं। आधी आँख खुली और आधी जो बंद होती है उसे हम लोग अधमुंदी आँख बोलेंगे। तो बच्चे ने रोते हुए अधमुंदी आँखों से देखा, फिर उसकी आँखें पूरी तरह से खुल गई। जब उसने सामने का सीन देखा, उसने क्या देखा, वो रो रहा था, उसकी आँख आधे बंद थी आधी खुली थी। जब उसने देखा सामने तितली है तो उसकी आँख पूरी तरह से खुल गई। उसके मुँह से ऊँ की आवाज़ निकलना बंद हो गई। वह
इतने सुंदर पंखों वाली तितली को इतने पास उड़ते देख हंसने लगा। उसने जो दृश्य देखा, तितली अपने पास आई है और वो उड़ रही है, तो ये देखकर वो खुश हो गया और वो हंसने लगा, वो रोना भूल गया। उसके मोतियों जैसे सुंदर दांत चमकने लगे। बच्चे को हंसते देख तितली बहुत खुश हुई। तो तितली की ये जो हरकत थी, उसकी वजह से वो बच्चा खुश हो गया। उसको वो देखने लगा, हंसने लगा, और जो जब वो हंस रहा था तो उसके सुंदर ऐसे दांत चमक रहे थे। कैसे थे वो दांत? मोतियों जैसे थे। मोती कैसे होते हैं? अपने सफ़ेद होते हैं। उसी तरह ये बच्चे के जो दांत थे वो कैसे थे? सफ़ेद थे। तो मोतियों जैसे वो दांत चमकने लगे। तितली उसे एक पार्क में ले गई। तो तितली ऐसे ही आगे 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 जा रही थी, तो ऐसे ही आगे चलते चलते वो कहाँ पर पहुँची? पार्क में। पार्क यानी गार्डन। तो बच्चों, आपको पसंद है गार्डन में जाना? आप कभी गार्डन में जाते हो तो गार्डन का सीन आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है ना? उसी तरह इस बच्चे को भी वो पार्क का सीन बहुत अच्छा लगा। वो उसी तितली के पीछे पार्क में चला गया। वो फूलों पर बैठी, बच्चे ने उसे देखा। बच्चे ने क्या देखा? देखो यहाँ पर दिख रहा है, वो फूलों पर बैठ रही है। यहाँ ये पार्क दिख रहा है, ये फव्वारा दिख रहा है। ये इस सीन में हम लोग क्या देख रहे हैं? तो ये फव्वारा है, फूल है, तितली है, और ये बच्चा खुश होकर उसके पीछे भाग रहा है। वह उसके पास पहुंचा तो वह उड़कर फव्वारे पर बैठ गई। देखो यहाँ पर दिख रहा है, वो उड़कर यहाँ पर बैठ गई। वहाँ पर और क्या था? ढेर सारे फूल खिले थे। उस पार्क में क्या था? फव्वारा था, ढेर सारे फूल थे। कोई और दिन होता तो बच्चा कई गुलाब, चंपा, बेला वगैरह तोड़कर अपने बस्ते में छिपा लेता। मगर आज तो उसे तितली पकड़नी थी, उसे छूना था, उसके साथ खेलना था। तो बच्चों, हमने यहाँ पर आज क्या क्या देखा? तो एक रोता हुआ बच्चा है जो रास्ते से जा रहा था। तितली को उसका रोना अच्छा नहीं लगा। वो उसके पीछे उसके रोने का कारण जानने की कोशिश करने लगी। जब वो जानने की कोशिश की तो उसे एक उपाय सूझा। उसने उस बच्चे के सर के ऊपर आगे पीछे सब तरफ घूमना शुरू कर दिया, जिससे कि बच्चे का रोना बंद हो गया और वो हंसने लगा। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर ये लेसन हमने रीड किया। बच्चों, आपको रोते हुए बच्चों को आप किस तरह चुप कराएंगे? किस तरह चुप कराएंगे? अगर छोटा बच्चा है तो हम लोग उसे खिलौने देंगे, टॉफ़ी देंगे और उसके साथ मस्ती करेंगे। उसके रोने का कारण जान के उसके ऊपर हम लोग उपाय करेंगे। छोटे बच्चे जब पहली बार स्कूल जाते हैं तब उनकी मनोदशा का वर्णन कीजिए। देखो, बच्चे जब फर्स्ट डे को स्कूल में जाते हैं तो थोड़े से बौखलाए हुए होते हैं। उन्हें लगता है स्कूल कैसा होगा, मेरा क्लासरूम कैसा होगा, मेरे टीचर कैसे होंगे, मेरे दोस्त लोग कैसे होंगे, ये सब लोग अब हम लोग सोचते हैं। और जब हमें ये सब कुछ अच्छा लगता है तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, जैसे कि आपको भी आपके स्कूल में होती होगी, है ना? तो बच्चों, हमने देखा तितली की खुशी किस में थी? बच्चे का रोने का कारण जानना था और उसके ऊपर उपाय सोचना था। तो उसने इस तरह से उस बच्चे का रोने का कारण जानने की कोशिश की और उसे खुशी दिलाने का पूरा पूरा प्रयास किया। इसी तरह हमें भी कोई उदास दिखता है तो उसको उसकी उदासी का कारण जानना है और उसके ऊपर उपाय सोचना है, जिससे कि हमें खुशी मिल सके। इस पाठ से हमें यही सीख लेना है कि अगर किसी को हम खुशी देते हैं तो हमें भी उतनी ही खुशी मिलती है। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया पाठ? धन्यवाद।